इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताएं, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की शिकायत पर अमेरिका की अदालत ने भारत सरकार, एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया विभाग के, नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिर्जा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के ही कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ये समन पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में जारी किया गया है। बड़ी खबर ये है कि समन पर भारत की सरकार ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड नहीं बदलेगा। पन्नू का संगठन गैर कानूनी है और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। तो पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं और इसके मायने क्या है, मेरे सहयोगी जगविंदर सिंह पटियाल जुट चुके हैं। जगविंदर, ये बड़ी जानकारी, देखिए पीएम मोदी का दौरा होने वाला है, उससे पहले भारत सरकार को ये नोटिस, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, गुरपतवन सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत ने बैन किया हुआ है। ये पंजाब का रहने वाला है, चंडीगढ़ में इसकी संपत्तियां थी। इसे टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद भारत सरकार ने और राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी और ये भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। साथ ही ये भारत के खिलाफ या भारत के अंदर जितनी भी साजिशें हैं, चाहे वो खालिस्तान के पोस्टर लगवाना हो, चाहे खालिस्तान लिखवाना हो या फिर खालिस्तान के झंडे लगाना हो, इस तरह की तमाम साजिशें अमेरिका या कनाडा में बैठकर रचता रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त गुरपतवन सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये सिविल सूट फाइल किया है जिसमें भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को जो है इन्होंने उसमें पार्टी बनाया है और समन जारी हुए हैं। समन जारी करने के बाद कोर्ट ने समन मिलने के 21 दिन के बाद जो है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। ये यहाँ का डेवलपमेंट है न्यूयॉर्क का। जो आज हमने तस्दीक की यहाँ न्यूयॉर्क में, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को पिछले साल 30 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था यूरोप की चेक रिपब्लिक पुलिस की तरफ से और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ये कहा था कि पन्नू को मारने की साजिश रची गई है और इस साजिश के लिए निखिल गुप्ता को, जो कि भारतीय नागरिक है, उसको ये काम सौंपा गया था, उसको पैसा दिया गया है। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी साल 14 जून 2024 को उसको एक्स्ट्राडाइट करवाया गया है अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों ने उसके खिलाफ केस बनाया है। तब से पन्नू भारत सरकार पर ये इल्जाम लगा रहा है कि भारत सरकार के खुफिया एजेंसियों के कई अधिकारियों ने जो है उसको पैसा दिया था और वो उसको मारने की साजिश रच रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में अभी तक कहीं भी भारतीय अधिकारियों को या किसी भी भारत सरकार के आदमी को इसमें दोषी नहीं बनाया गया है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ये यहाँ पर वकालत करता है, बैरिस्टर है और पहले भी, ये कोई इसकी पहली कार्रवाई नहीं है, सोनिया गांधी से लेकर ना जाने किन किन पंजाब के पॉलिटिशियंस को भी ये इसी तरह के नोटिस पहले भिजवा चुका है, लेकिन उन केसों में कुछ नहीं हुआ। और अमरिंदर सिंह एक बार अमेरिका आए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो उनका जबरदस्त विरोध करवाया गया था। यहाँ पर भी कैलिफोर्निया में इस तरह की हरकत हुई थी। लेकिन अब जो ये नोटिस के ऊपर जो समन भेजा गया है, उसमें भारत सरकार का पक्ष आने के बाद भारत सरकार इसमें जवाब देगी। और जब एक तरफ न्यूयॉर्क पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अपनी वकालत का जो है वो नाजायज फायदा उठाकर इस तरह से किसी भी भारत सरकार या भारत सरकार के अधिकारी को नोटिस भेज देना, इस तरह की चाले पन्नू अक्सर चलता है और खुलकर सोशल मीडिया के जरिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देता रहता है। मगर इसमें अब भारत सरकार का जो रुख आया सामने, उसे देखकर लगता यही है कि भारत सरकार अपने काउंसुलेट जनरल की तरफ से रिप्लाई फाइल करेगा और उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये मामला जैसे न्यूयॉर्क पुलिस जांच कर रही है, उसके साथ साथ सिविल कोर्ट में पैरेलल नहीं चल सकेगा। जी शुक्रिया आपका जगविंदर सिंह पटियाल इस अहम जानकारी के लिए। तो इस पर अब भारत सरकार का रुख क्या होगा, आने वाले टाइम में रिएक्शन किस तरीके से आएंगे, उस पर लगातार रहेगी हमारी नजर।